हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? दिस इज़ नेहा। आज मैं आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आई हूँ जो सिर्फ आपके लिए बनी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एकदम फिट होना और आप चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखूँ, अगर जब फिट होंगे, आपका पेट अंदर होगा, आप बिल्कुल स्लिम होंगे, तो आप कुछ भी पहन लेंगे आपके ऊपर बिल्कुल फंटास्टिक लगेगा और आप बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगेंगे। तो दोस्तों, टी को पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा ही निकला हुआ है, आपके हैंड बहुत मोटे मोटे अजीब से हो रहे हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लटकी लटकी है, अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा ही निकला हुआ है, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको कम करने का तरीका लेके आई हूँ मैं, जिसको आप आजमाएंगे तो 100% रिजल्ट आएगा और आप वास्तव में मानेंगे कि हाँ, मेरी रेमेडी से आपको फर्क पड़ा है। तो दोस्तों, इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं बताती हूँ आप उसको फॉलो करते जाइए और कीजिए। आप उसको रेमेडी को यूज़ कीजिए, आप महीना भर यूज़ करके देखिएगा। महीना भर 5 kg आप वेट लूज करेंगे तो आप देखिएगा कि 5 kg माने रखता है दोस्तों। तो आप अगर बहुत ज़्यादा ही हेल्दी हैं, तो अगर 5 kg आप पर मंथ आप वेट लॉस करते हैं, तो आप धीरे धीरे आप बिल्कुल सही हो जाएंगे और आपका वेट बिल्कुल कम हो जाएगा। तो फॉलो करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस रेमेडी को तैयार करना है। तो दोस्तों, इस रेमेडी को तैयार करते हैं और बताते हैं कि इसको कैसे तैयार करना है। तो दोस्तों, ये हम जीरा ले लेते हैं। जीरा वही जो आप सब्जी में यूज करते हैं, तो आप जीरा ले लीजिए। जीरे को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। साफ करने के बाद जीरा में वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके वेट को लूज करने में आपकी मदद करेंगी। ये जीरा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उसके बाद हम बात करते हैं काले नमक की। एक काला नमक है, आपको काले नमक लेना है, आपको सादे नमक का यूज नहीं करना है। ये काला नमक मैंने निकाल लिया था, तो देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं लेमन की। ये लेमन आपके पेट के लिए, आपके हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, ये इसको रेमेडी को कैसे तैयार करना है, मैं बताती हूँ आपको। तो एक ग्लास हम पानी ले लेते हैं। तो एक ग्लास मैंने पानी ले लिया है, उसको आप फ्राईपैन में डाल दीजिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। तो आप इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आप 1 चम्मच डाल दीजिए, 1 चम्मच काफ़ी है। उसके बाद हम इसको गैस पे रख देंगे। गैस पे आप इसको पकाइए। तो गैस पे आपको जब तक इसको पकाना है, जब तक 1 ग्लास जो पानी आपने डाला है वो जब तक आधे ग्लास नहीं हो जाता, आप तब तक इसको पकाते रहिए। तो देखिए, हल्का हल्का ये बॉइल होने लगा है। इसको आपको तेज गैस पे नहीं पकाना है, सिम गैस पे ही पकाना है। तो आप सिम गैस पे पका लीजिए इसको। अब देखिए, इसमें खोला आने लगा है, तो आप इसको खोलाइए। जब तक खोलाइए, जब तक 1 ग्लास आपका पानी आधा ग्लास ना हो जाए, तब तक आप इसको पकाते रहिए। अब देखिए, इसको तो थोड़ा सा मैंने तेज कर दिया है गैस को। जब ये तेज हो गया है, उसके बाद हम इसको गैस को सिम कर देंगे। सिम करने के बाद आप इसको पकाते रहिए धीरे धीरे तक। तो मैंने इसको धीरे धीरे पकाने के लिए रख दिया है। तो आप देखिएगा, जब ये पक जाएगा तो इसका कलर भी पीला पीला सा आ जाएगा कलर। अब उसके बाद आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने रख दीजिए। तो आप अभी तो ये आधा ग्लास हो गया है, आप इसको ठंडा कर लीजिए। तो देखिए, ठंडा हो गया है। ठंडा इतना नहीं करना है आपको, इतना रखना है ठंडा कि आप चाय की तरह पी सकें। तो हल्का सा मैंने ठंडा किया है, ज़्यादा ठंडा नहीं किया है। इसको छान लीजिए आप। तो मैंने जीरे को छान लिया है अच्छे से। उसके बाद देखिए, ये आधा ग्लास हो गया है। अब उसमें हम ऐड करेंगे काला नमक। तो पहले हम इसमें ऐड करेंगे नींबू। आधा नींबू पूरा इसमें ऐड कर दीजिए। तो आप आधा नींबू पूरा डाल दीजिए। तो देखिए, आधा नींबू पूरा डाल दिया है मैंने। अब इसके स्वाद अनुसार, जैसे आप नमक
तेज़ खाते हैं तो थोड़ा तेज़ डाल दीजिए, थोड़ा सा हल्का खाते हैं तो हल्का डाल दीजिए, स्वाद अनुसार आप नमक डाल लीजिए। अच्छा, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि टेस्ट बहुत कड़वा होगा, अजीब सा होगा, आप बहुत टेस्टी मतलब टेस्टी बनता है तो आप बहुत टेस्ट लेके पिएंगे इसको, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत भद्दा लगेगा, बुरा लगेगा, तो ये बहुत टेस्टी बनता है, आप पी के देखिएगा इसको, तो आपको बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा और टेस्टी तो होगा ही। तो इसको आपको खाली खाली पेट पीना है आपको सुबह सुबह, तो आपको खाली पेट लेना है इसको। देखिए ये तैयार हो गई रेमेडी, अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि कैसे पीना है आपको। तो देखिए आप इसको पी लीजिए, तो आप सुबह के टाइम आप जब बैठते हैं फ्रेश होके नहा धो के बैठ जाते हैं तो उसके बाद खाली पेट होते हैं, तो खाली पेट पी लीजिए इसको। देखिए आपको चाय की तरह पीना है, आपको सिप बाई सिप पीना है, ऐसा नहीं कि एक ही बार एक झटके में पीना है, तो एक झटके में नहीं पीना है, तो एक एक सिप लेके पीना है, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म है, ऐसे आपको पीना है। अच्छा, ये टेस्टी इतना होता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसको पीने के बाद आपको एक घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, इस रेमेडी को आपको कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं है बीच में। तो दोस्तों आपने देखा, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आपको रेमेडी तैयार करनी है और आपको इसको यूज़ करना है और आपको खाली पेट पीना है। बस दोस्तों, थोड़ा सा वेट लूज़ करने के लिए थोड़ा सा त्याग तो बनता है, अगर आप त्याग करेंगे तो आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, एकदम जल्दी स्लिम हो जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत और स्मार्ट और लुकिंग स्मार्ट लगेंगे। दोस्तों करना यह है आपको कि आप ये पी रहे हैं बराबर, आप इसको पीना है आपको बराबर, लेकिन उसके साथ साथ आपको मार्केट का कुछ भी अनसेंट नहीं खाना है, आपको तला भुना नहीं खाना है, आपको पूड़ी कचौड़ी नहीं खानी है, आपको मीठा स्वीट थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा, स्वीट कम खाना है ना। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है स्वीट, तो आप तू सा खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको एकदम फिट रहना है। आप एक बार वेट लॉस कर लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी आपको ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं खाना है। और दोस्तों इसको आपको तला भुना तो बिल्कुल ही अवॉइड करना पड़ेगा, और दोस्तों थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एक तो आपको कपालभाती करना पड़ेगा, सांस को बाहर निकालना पड़ेगा, जब आप पाँच आपको इस जो एक्सरसाइज को है वो 5 मिनट कीजिएगा, फिर धीरे धीरे 10 मिनट कीजिएगा, फिर 15 मिनट कीजिएगा। 15 मिनट तो पर डे आपको करना ही करना है, 15 मिनट आपको इसको करना है। आप देखिएगा 15 मिनट करने के बाद आप देखिएगा कि आपके शरीर में अलग सी फुर्तीली आएगी, आपको लगेगा कि मैं बहुत हल्का हल्का फील कर रही हूँ। उसके बाद दोस्तों करना क्या है आपको, रस्सी कूदनी है, रस्सी आप बराबर कूदे, ये आपको ज़्यादा नहीं करना है, मुश्किल से 5 मिनट कूदनी है। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है कि आपको लगता है कि मैं रस्सी कूदूंगी तो मैं गिर जाऊंगी, तो दोस्तों मैं बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगी कि आप कूदें, लेकिन आप हल्का हल्का दौड़ तो सकते हैं ना, तो हल्का हल्का दौड़ लीजिए, है ना। तो आप दौड़ सकते हैं तो दौड़ लीजिए थोड़ा थोड़ा सा, इससे आपका पसीना निकलेगा, पसीना निकलेगा, उसके बाद आप देखिएगा कि धीरे धीरे करके आपका वेट लॉस भी हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा ही स्लिम हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। बाय बाय।